एनडीए में अपने कड़े स्टैंड के कारण लगातार सुर्खियों में बने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ उनकी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होने के बाद दिल्ली से वापस पटना पहुंचे विधायक राजू तिवारी ने कहा कि गठबंधन और चुनाव को लेकर वे लंबे एनडीए में अपने कड़े स्टैंड के कारण लगातार सुर्खियों में बने एलजेपी काल में लंबे पिता को डॉक्टर बनने के लिए इंग्लैंड भेजा था विकास दुबे के बारे में जानकार आप भी हैरान रह जाएंगे। गांव की जल्दीबाजी में कोरोना नजरअंदाज, नीतीश लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। यह बातें प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला। पीके ने कहा कि बिहार में कोरोना को लेकर स्थिति गंभीर बनती जा रही है, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चुनाव की पड़ी है, जिंदगी डाल रहे हैं खतरे में। प्रशांत किशोर ने कहा देश के कई राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है। 700 नए कोरोना मरीज बिहार में फिर पाए गए, 15,000 के पार आंकड़ा। बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों का इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 700 लोग से ऊपर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,039 हो गई है।